केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ये कह रहे हैं कि क्योंकि साध्वी निरंजन ज्योति एक दलित महिला है इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उनका प्रोटेस्ट यही देखने को मिल रहा है। गांधी स्टैचू के बाहर आप देख रहे हैं तमाम एनडीए के जो एमपी हैं वो यहाँ मौजूद है, मिनिस्टर से लेकर तमाम एमपी जो सीनियर एमपी है वो यहाँ पे मौजूद है। और क्यों प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने विपक्ष का प्रोटेस्ट देखा था। सर यहाँ पे आप लोग क्यों आए हैं? और अभी विपक्ष यहाँ पे मांग कर रहा था कि आपका एरोगेंस है कि आप लोग उनकी बात नहीं सुन रहे, अब आप धरने पे आ गए। हम तो भगवान से दुआ करने आए हैं कि जो हार की हताशा में, डिफीट के डिप्रेशन में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और वो इस बात को अच्छी तरह समझें कि आज देश के लोगों का मूड और माहौल क्या है। आज इस तरह की नकारात्मक राजनीति करने वाली कांग्रेस को लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और अगर इसी तरह की आने वाले दिनों में नकारात्मक राजनीति जारी रखी कांग्रेस ने तो निश्चित तौर से उसका देश की जनता मुंहतोड़ जवाब दी। जी आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, सरकार का काम सदन चलाना है, तमाम इम्पोर्टेंट मसले, अगर आप धरने पे आ जाएंगे तो काम कैसे होगा? हम तो धरना नहीं दे रहे, हम तो सद्बुद्धि की अपील कर रहे हैं महात्मा गांधी से। वो महात्मा गांधी को भूल गए हैं, एक ही गांधी उनको समझ में आता है। हम तो उनसे ये अपील कर रहे हैं कि भैया भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो देश के सरोकार, देश की समस्याएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, क्योंकि हम तो रोज सदन में कहते हैं कि भैया समझो, प्रधानमंत्री जी को बुला रहे थे, वो प्रधानमंत्री जी आ गए, उन्होंने कहा कि साध्वी जी को माफी मांगनी चाहिए, साध्वी जी आ गए। दलित कार्ड खेल रहे हैं, आपने दलित कार्ड खेल दिया, यहाँ पे बयान की बात हो रही थी, बयान की आपत्तिजनक स्टेटमेंट की बात हो रही थी, आप दलित कार्ड क्यों खेल रहे थे? खेद उसमें सबने खेद व्यक्त किया, उसको किसी ने अप्रूव नहीं किया। लेकिन कांग्रेस को अगर केवल जो है नॉन इश्यू को इश्यू बनाना है तो कांग्रेस को खुद इस हड़बड़ी में गड़बड़ी को समझना होगा। तो आप भी नॉन इश्यू को इश्यू बनाएंगे? आप बताइए कि यहाँ पे धरना देने से रास्ता आगे निकलेगा? धरना नहीं है, ये तो प्रार्थना है और गांधी जी के लिए सन्मति, गांधी जी इन लोगों को जो कि उनके सारी मर्यादाओं को भूल चुके हैं उनको हमने कहा कि सन्मति दे और अपने दायित्व का, कर्तव्य का निर्वहन करे। ये राहुल तो कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है सर, अभी जो है वो दुआ करने आए। देखिए तानाशाही नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, हमारा यहाँ पर यही संदेश देने का काम है कि जनता को ये पता चले कि जब इस समय संसद के सामने बहुत महत्वपूर्ण बिल और बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, उस समय में एक छोटे से मुद्दे को लेकर आप संसद को कई कई दिन तक ठप कर देंगे, जबकि माफी भी मांगी जा चुकी है, तो जनता सब कुछ देख रही है कि भाई विपक्ष जो है क्योंकि मुद्दे नहीं है, संसद चलने नहीं देना चाहता लगातार।